जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत बड़ा यहाँ पे दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है। सभी न्यूज़ को दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे हम बताएंगे, दोस्तों पूरी योजनाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत दोस्तों हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों। हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो दोस्तों कर्ज माफ़ किया गया, उसकी जो लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। और दोस्तों सेकंड जो योजना आपकी लैपटॉप योजना, देखिए लैपटॉप जो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको लैपटॉप दिए जाने की ये जो योजना थी वो लागू कर दी गई है। दोस्तों बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया यहाँ पे हम आपको कंप्लीट समझाएंगे, काफ़ी लोग इसका जो है लाभ उठा चुके हैं। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, कोई भी पार्ट आपको जरा सा भी पार्ट स्किप नहीं कर देना है। यह पार्ट यानी आगे पीछे वीडियो को आप खिसका दोगे तो क्या है कि आप कंप्लीट जानकारी लेने में दोस्तों चूक कर दोगे, और कोई भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लेने से दोस्तों चूक कर दोगे और भूल जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको कंप्लीट जानकारी नहीं होगी तो आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकती है, 100% गारंटीड है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए योजनाओं की बात करेंगे दोस्तों वन बाई वन तीनों की। और दोस्तों साथ में यहाँ पे जिनको आवास नहीं मिला है तो दोस्तों आवास के लिए भी यहाँ पे 3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप भारत के सच्चे नागरिक हैं दोस्तों और आपके दिल में जरा सी भी इंसानियत बाकी है दोस्तों, आप अपनी बेटी के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मिनट में कुछ बात करूँगा, वो आपको कंप्लीट सुननी है। देखिए दोस्तों, अलीगढ़ के गांव टप्पल में, देखिए टप्पल में मात्र 2 साल की बच्ची दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर हमने दिखाई है, वहाँ पे 2 साल की बच्ची है जिसका नाम ट्विंकल है, जिसका दोस्तों दो मुसलमान युवकों ने इस 2 साल की बच्ची का दोस्तों रेप करके और इसको तेजाब से जला के मार दिया है। दोस्तों पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, दोस्तों पूरे देश का यहाँ पे दिल दहला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग दोस्तों इन दो अपराधियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आप अपनी बच्ची के लिए, मान लीजिए ट्विंकल आपकी बच्ची थी, आपकी रानी, जो भी दूबी, जो भी संध्या, जो भी देखिए कल्पना, जो भी आपकी बच्ची का नाम है, तो आप अपनी बच्ची की जगह इस 2 साल की मासूम बच्ची को मान के चलिए दोस्तों। और इसको न्याय दिलाने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि दोस्तों हम सभी कमेंट्स को पिक करके जब आगे बढ़ाएं तो ये सरकार तक दोस्तों, जो भारतीय जनता की दोस्तों आवाज़ है वो वहां तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर बात हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात की जा रही है इंसानियत की दोस्तों। यदि आप मुस्लिम भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इन दो अपराधियों को दोस्तों, इनको बहसी दरिंदे जानवर भी यदि मैं कहूँ तो दोस्तों ये सब भी छोटे पड़ जाएंगे। 2 साल की मासूम बच्ची का दोस्तों इन्होंने मर्डर कर दिया है, और देखिए पुलिस ने इनको हिरासत में भी ले लिया है। तो दोस्तों इस ट्विंकल को दोस्तों जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और इनके लिए दोस्तों फांसी की मांग करें। मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आगे चल के आपकी हमारी बच्चियों के साथ दोस्तों ऐसा ना हो सके दोस्तों। इनके लिए इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाइए, इतना ठोस कानून जो है बनाना चाहिए कि दोस्तों ये ऐसा करने में दोस्तों दोबारा ऐसे अपराधी, ऐसे बहसी दरिंदे जानवर, ये सब भी छोटे हैं इनके लिए दोस्तों, कांप उठे इनकी रूह। जैसे कि अंगभंग कानून जो भी यहाँ पे दोस्तों सरकार बना के लाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें अपनी बच्ची के लिए दोस्तों। मैं आपसे यही दोस्तों, प्लीज़ आप यहाँ पे नीचे कमेंट करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मोबाइल से, लैपटॉप से शेयर भी नहीं कर सकते तो दोस्तों आपस में अपने घर में अपने दोस्तों, अपने फैमिली जन जो भी रिलेटिव है आपके, उनके दोस्तों साथ में इसकी चर्चा जरूर करें, जिससे कि दोस्तों देश में पूरी यहाँ पे आग भड़क उठे दोस्तों, इस छोटी सी बच्ची को यहाँ पे न्याय मिल सके और इन दो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट आने चाहिए। आप लोग आज तक हमेशा अपने फ़ायदे के लिए कमेंट करते आए हैं, लेकिन दोस्तों आज इंसानियत के लिए एक कमेंट आप जरूर करें। और देखिए वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों। यदि मेरे वीडियो पे दोस्तों, इस वीडियो पे मात्र 10 व्यूज आ रहे हैं तो दोस्तों 10 लाइक होने चाहिए, ठीक है। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आपको अपनी बच्ची की कसम है। इसके लिए दोस्तों मैंने आज तक इतनी दोस्तों रिक्वेस्ट कभी नहीं की, इतना फोर्स कभी नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे करूँगा, ठीक है। आपके दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 मिनट लिए हैं, आपकी जिंदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए 2 मिनट लिए हैं, लेकिन दोस्तों इसको कामयाब बनाएं दोस्तों, जो हम पहल कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी चैनल्स वाले, काफ़ी यहाँ पे सोशल मीडिया इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो अच्छे लोग हैं दोस्तों इस चीज़ को वायरल भी कर रहे हैं, कि जिससे दोस्तों इन दो अपराधियों को, अलीगढ़ के इन दो शैतानों को दोस्तों, अब मैं इनसे ज़्यादा और इससे ज़्यादा क्या कहूँ इनके लिए, इनको ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अब देखिए बढ़ते हैं योजनाओं की तरफ, ये तो हो गया सारा कुछ इंसानियत के लिए, अब दोस्तों बात करेंगे योजनाओं। तो देखिए जो किसान कर्ज माफ़ी की लिस्ट है दोस्तों,
वो लिस्ट दोस्तों केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। देखिए किसान जो हमारे किसान भाई हैं जिन पे दोस्तों 5 एकड़ से कम जमीन है, 5 एकड़ से कम खेती है, उनकी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट लोन माफ कर दी गई है। चाहे वो आपकी केसीसी हो या भूमि विकास से कोई भी लोन हो दोस्तों, 5 एकड़ से जो नीचे है उनके जो भी दोस्तों कर्जा था सारा माफ कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पब्लिक को दोस्तों इतना लेके चल रहे हैं अपने साथ में कि इनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता हमारे देश के लिए। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति को ही दोस्तों प्रधानमंत्री बनाए जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, किसानों को दोस्तों सबसे पहले लेके चल रहे हैं। तो यदि देखिए यह लिस्ट जो है जो केंद्र सरकार ने जारी कर दी है, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम देना है और आप पे कहाँ के रहने वाले दोस्तों, आप किस राज्य से हो, किस जिले से हो, सिर्फ इतनी सी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिस्ट आपके पास कब आएगी, तो दोस्तों आने वाले सोमवार को, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो हो ही गया, लेकिन आने वाले सोमवार को ये लिस्ट आप सभी लोगों के सामने आ जाएगी कि किस किस किसान का यहाँ पे दोस्तों कर्जा माफ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कल जो भी हमारे पास कमेंट्स आए थे या कल से पहले जो भी कमेंट्स आए, हम दोस्तों डेली के डेली उन कमेंट्स को पिक करके आगे बढ़ा देते हैं जिससे कि योजनाओं का लाभ मिले लोगों को सबसे ज़्यादा। तो जो भी लोग यहाँ पे रह गए हैं, जिनको यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिली हैं अभी तक, कोई भी केंद्र सरकार की योजना अभी तक नहीं मिली है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें दोस्तों, हम आपका यहाँ पे कर्जा माफ कराएंगे 100%, ठीक है। और देखिए क्या करना, आपको नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम देके दोस्तों यहाँ पे अपने जिले का, अपने राज्य का नाम देके वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे कि दोस्तों लाइक करते ही आपका नाम, आपकी सहमति दोस्तों हमारे साथ आ जाए कि हाँ आप इस योजना से सहमत हैं और आप इसमें लाभ लेना चाहते हैं। दोस्तों ये तो हो गई आपकी बात यहाँ पे किसान कर्ज माफी लिस्ट जारी की। अब देखिए यहाँ पे जो 5 एकड़ से इनके पास ऊपर जमीन है उनके यहाँ पे 2 लाख रुपये तक माफ किए गए। ये दोस्तों सोमवार आने ही वाला है, सोमवार को आपके यहाँ पे लिस्ट आने वाले सोमवार की बात कर रहा हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे सोमवार को लिस्ट मिल जाएगी और सभी लोग वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आज तो ये हो ही गया, चलिए बात करेंगे लैपटॉप योजना की। तो दोस्तों लैपटॉप योजना, जो भी लोग दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने अच्छे मार्क्स से दोस्तों 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों इनमें कोई भी अच्छी दोस्तों अनुभवी जो भावी जिसको बोलते हैं दोस्तों जो अच्छे मार्क्स से स्टूडेंट पास हुए हैं दोस्तों, उन सभी के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैपटॉप देने की योजना जो है लागू कर दी है। तो यदि आपको लैपटॉप लेना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें नाम जरूर बताएं और अपने राज्य का, अपने जिले का नाम बताएं दोस्तों, आपने कितने परसेंटेज से कौन सी क्लास पास की है ये भी हमें जरूर बताएं, जिससे कि दोस्तों आपके नाम की लिस्ट बनाएं, आगे भिजवाएं और आपको योजनाओं का लाभ मिले सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके, यहाँ पे वीडियो को लाइक करके हमें ये परमिशन दें कि आप यहाँ लैपटॉप योजना में लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे जो आपके जो आवास नहीं मिले हैं उन लोगों को, तो दोस्तों आवास के लिए कल हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको आवास के लिए कंप्लीट जानकारी देंगे कहाँ पर आपको आवेदन करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो किसान कर्ज माफी है इसके लिए आप सीएससी सेंटर से भी आवेदन करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। लैपटॉप के लिए भी दोस्तों आप सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पे नीचे अपना नाम नहीं देना चाहते हैं तो आप सीएससी सेंटर पे जाके भी आवेदन यहाँ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता की। तो देखिए जो हमारे पढ़े लिखे भाई बंधु जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है और 45 साल से कम है, उनको यहाँ बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बेरोजगारी भत्ता दोस्तों आपको कैसे लेना, आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। आपके पास देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड दोस्तों, इन तीनों की जो फोटोकॉपी करा देनी है आपको। और देखिए यहाँ पे इसके साथ में अपना आय प्रमाण पत्र, आपके परिवार की आय कितनी है दोस्तों। ये बेरोजगारी भत्ता ऐसा नहीं है कि सभी को मिल रहा है, जो दबे हुए, जो आर्थिक वर्ग आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं दोस्तों और जो थोड़े से लो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो गरीब रेखा वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता चलाया गया है, जो दोस्तों बेरोजगार हैं हमारे भाई बंधु उनके लिए, ठीक है, जो पढ़े लिखे काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों जिनको भी यहाँ बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया में लाभ लेना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी बताएं। और दोस्तों आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, BA, BSc, BCom जो भी है, 8वीं 10वीं, ये दोस्तों यहाँ 8वीं से शुरू होके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी आपके पास है 8वीं से शुरू होके और यहाँ पे 18 साल आपने कंप्लीट कर रखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आप लाभ ले सकते हो। तो यदि आप यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता में लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ नीचे अपना नाम हमें बताएं, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो बताएं और देखिए वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप इनका दोस्तों तीनों योजनाओं का, किसान कर्ज माफी, लैपटॉप योजना, बेरोजगारी भत्ता, आप सीएससी सेंटर पर जाकर कैसे आवेदन कर सकते हो।
तो दोस्तों सीएससी सेंटर पर जाने पर आपको देखिए किसान कर्ज माफी के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों आपके जो खेत की जो होती है ना खतौनी, जिसको जैसे काफ़ी लोग फर्द भी बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको फोटोकॉपी, यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी और दोस्तों ओरिजिनल खतौनी आपको स्कैन करा के सीएससी सेंटर पे जाके दोस्तों वहाँ से आवेदन करा देना है किसान कर्ज माफी के लिए, यदि आपने अभी तक नहीं कराया तो, ठीक है। अब देखिए लैपटॉप योजना के लिए दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड, आपको अपने स्कूल के दोस्तों जो पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी और पैन कार्ड यदि आपके पास है तो उसकी भी, और दोस्तों आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है और कितने मार्क्स से की है तो मार्कशीट की फोटोकॉपी, दोस्तों इतनी चीज़ें लेके आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके दोस्तों वहाँ पे आवेदन कर देना है लैपटॉप योजना के लिए। और बेरोजगारी भत्ता के लिए भी दोस्तों वही सेम प्रक्रिया है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, आधार कार्ड की, वोटर कार्ड यदि आपके पास है तो उसकी, यदि वोटर कार्ड नहीं है दोस्तों स्कूल के पहचान पत्र की फोटोकॉपी करा के दोस्तों आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी योजनाओं के लिए आप सीएससी सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। सीएससी सेंटर मतलब क्या होता है, जनसेवा केंद्र, वहाँ से भी ये दोस्तों गांव-गांव और शहर शहर में खुलवाए गए हैं। लेकिन यदि आप वहाँ जा नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो भी योजना आपको चाहिए उसके लिए दोस्तों आप अपना नाम हमें बताइए, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो चीज़ बताइए और अपने ज़िले का नाम, जैसे किसान के लिए दोस्तों अपने ज़िले और राज्य का नाम हमें जरूर दें। यदि आपके ज़िले में यह योजना अभी तक नहीं पहुँची, राज्य में नहीं पहुँची, तो हम दोस्तों यहाँ पर पहल करके पहुँचवाएंगे। तो दोस्तों यही थी जानकारी। आगे दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे यहाँ देखने को मिलती है, उसके बाद दोस्तों आपको बाकी चैनल्स पे देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी जानकारी हम देंगे सबसे पहले यही मिलेगी, उसके बाद आपको बाकी चैनल्स पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे कि दोस्तों हम आपकी जानकारियों को आगे बढ़ा सकें दोस्तों और हमारी आवाज़ में यहाँ पे दम आ सके, पॉपुलरिटी बढ़ सके दोस्तों। तो ये चीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और दोस्तों ट्विंकल के लिए यहाँ पे कमेंट जरूर अपना नीचे छोड़ें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।